गाइस अब यहाँ से एक बार व्यू चेक कीजिए, कितना ज़बरदस्त व्यू है। घना जंगल आ रहा है आगे और डर भी लग रहा है यहाँ जाने में। जंगल आप देखिए कितना घना है। और हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज का जो एपिसोड है, बहुत मस्त रहने वाला है। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था छोटा मोटा, जिसमें किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, खरोंच तक नहीं आई किसी को। सो अभी थोड़ा सा हम आगे आए हैं और यहाँ पर हमारी ऑफ रोडिंग जो है स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे करके, और आगे जाके काफ़ी ख़तरनाक ऑफ रोडिंग होने वाली है, एक्सट्रीम लेवल की ऑफ रोडिंग। और पीछे पीछे हमारी दूसरी स्कूटी भी चल रही है, और यहाँ पर आप रोड वगैरह तो देख ही रहे होंगे किस तरह के पत्थर हैं। यहाँ पर स्कूटी स्लिप करने में ना एक मिनट भी नहीं लगाएगी। बट व्यू आप देखिए यार, रोड को छोड़िए आप, व्यू आप देखिए, व्यू कितना कैंट है। अब बाहर से कहीं तो मानसर एक बहुत ब्यूटीफुल जगह है जाने के लिए। तो अभी ऑफ रोडिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी करके, और अभी रोड आगे से फिर से थोड़ा सा ठीक आया है। तो ये रास्ता जो है ना जंगल के बीचों बीच है, यहाँ पर ना तो हमें कोई नाका मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो तभी हमने ये रास्ता चूज़ किया। हम हाईवे से तभी नहीं गए, हम सिद्रा से भी जा सकते थे बट नहीं गए, तो यहीं से हम जा रहे हैं। भरत गाना मत बोल, कॉपीराइट पड़ जाएगा। कॉपीराइट क्लेम जल्दी दे देता है यूट्यूब। सो गाइस यहाँ से देखिए एक्सट्रीम लेवल की ऑफ रोडिंग स्टार्ट होने वाली है, और साथ साथ में जंगल आप देख सकते हैं। और अभी यहाँ पर हमें एक जानवर दिखा, अभी हमें अच्छे से पहचान तो नहीं हो पाई कि वो कौन सा जानवर था, बट कोई जानवर था। तो देखने से पहले हम पहली बार गए क्योंकि हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते थे। तो अभी हम जा रहे हैं और ऑफ रोडिंग आप देख ही रहे होंगे किस टाइप की यहाँ पर चल रही है। भरत भाई आराम से, मेरे को पसीना छूट रहा है। तो गाइस ये आप देख सकते हो आगे एक बहुत घना जंगल आ रहा है आगे, और डर भी लग रहा है यहाँ जाने में। जंगल आप देखिए कितना घना है, और हम सिर्फ चार बंदे यहाँ पर। ये देखिए हेलमेट पीछे वाले ने लगाया है, इसको लगाना चाहिए था। सो गाइस अभी हम यहाँ पे रुक चुके हैं और कुछ प्रॉब्लम आ गई है स्कूटी में, तो अभी यहाँ पे रुके। कुछ इसका हैंडल ना थोड़ा पहले से ही टेढ़ा था, मुझे भी लग रहा है ना, तो अभी और टेढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा कर देते हैं इसको सही। मुश्ताक सर आप क्या कहना चाहोगे? जो छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ आपको कहीं लगी? कहाँ लगी? नहीं मुझे नहीं लगी, मेरे कपड़े एकदम साफ। सो गाइस व्यू आप चेक करिए, क्या ऑसम व्यू है यार, बाय गॉड बहुत ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ से आप व्यू देखिए यार, कितना ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ पर आपको शॉप्स वगैरह हर जगह अवेलेबल मिलेगी, गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पर आराम से आपको मिल जाएगी, और रोड तो आप देख ही रहे होंगे भाई साहब कितना ऑसम रोड है। यहाँ पे पहाड़ियों के बीच में से ये रोड जाता है, और यहाँ पर आप देखिए, ओ भाई 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 क्या व्यू है यार। चेकआउट दिस गाइस, चेकआउट और रोड देखिए कैसे है गाइस, वो देखिए रोड ऐसे 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 ऊपर के लिए जिग-जैग, वो टॉप पे जाना है। वाओ बहुत ज़बरदस्त, कहाँ जाना है, इधर जाना है। व्यू यार क्या जबरदस्त है, हाँ उधर पुणे पे जाके वीडियो बनाएंगे, उधर शेड भी दिख रहा है। तो गाइस आप चेक कीजिए यहाँ पे कितना जबरदस्त यहाँ पे व्यू है, और फर्स्ट टाइम है मेरा यहाँ पे, और बहुत जबरदस्त व्यू है यार, बहुत जबरदस्त यार। अपना जैंड के जो है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए इसको पैराडाइज कहा जाता है। ये तो जस्ट मैं अभी जम्मू वाली साइड ही आपको दिखा रहा हूँ, जिस वक्त मैं कश्मीर दिखाने चला गया आपको। सो आप अगर बाहर से देख रहे होंगे ना, तो आप कश्मीर को देखते रह जाओगे। ये आप देखिए यहाँ से पहाड़ी एरिया, पहाड़ी के बीच में से यहाँ पर रास्ते जा रहे हैं, और ऐसी ऐसी कैसी कैसी लीन मार रहे हैं मज़े से। ओ ये देखिए भाई साहब बहुत हार्ड यार, बहुत ज़बरदस्त व्यू है भाई गॉड, बहुत ज़बरदस्त व्यू है यार, आई लव दिस प्लेस, आई लव। सो गाइस अब यहाँ से एक बार व्यू चेक कीजिए, कितना ज़बरदस्त व्यू है, और ये आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर ये रास्ता है, पता नहीं कहाँ को जाता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मेरी फर्स्ट टाइम आया हूँ। बट व्यू आप देखिए कितना ऑसम व्यू है, और यहाँ पर ये फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं, और यहाँ पर रही अपनी दोनों स्कूटियाँ, और कर्व आप देख रहे हो कितना तगड़ा कर्व यहाँ पर है, और बहुत सही है, बहुत ज़बरदस्त सीन है यहाँ पर। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मानसर, और अभी हम यहाँ पे लगाएंगे स्कूटी को पार्किंग पे, और उसके बाद हम चलेंगे धीरे धीरे करके अंदर आ रहे हैं हम। तो कहाँ पार्किंग करेंगे?
को देखकर ही हमें पास करनी है अपनी स्कूटी। स्कूटी में पता है कहाँ पर उन्होंने पास करी आगे तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं और यहां पर हमारे साथ टीआरसी भाई हमें सीधा मानसर में मिले। और क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया यार, हालत बुरी होगी। और यहां पर तो आप देख ही रहेंगे 20 बाइक RR 310। तो ये अंदर आप देख सकते हो पूरा मानसर है। तो अभी हम यहां से अंदर जाएंगे और अंदर का व्यू आप देखिए कितना ऑसम रहेगा। सो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं मानसर और यहाँ लगा दी अपनी स्कूटी, ये दूसरी स्कूटी, और हमारे साथ टीआरसी भाई भी जुड़ चुके हैं यहाँ पर और ये भी ब्लॉग वगैरह कर रहे हैं। सो चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या देखने को मिलता है अंदर। सो फाइनली गाइस अंदर पहुंच चुके हैं और बैठे हैं यहाँ पर आराम से। आप पीछे आप व्यू देख सकते हो, ये पार्क वगैरह है। लेकिन अभी यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको दिखाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। और थोड़ा सा थक गए यहाँ पर, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बताएंगे आपको दिखाएंगे। और इस ब्लॉग में ही एंड करते हैं आपको, आई होप आपको पसंद आया तो लाइक मिलते हैं जल्दी आपसे नई वीडियो में। सब के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह। ऐसी जी तब चाहे जिंदगी है।